फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट स्मिता। वेलकम टू गलिमेज। दोस्तों, आज हम लहसुन चटनी का एक डिफरेंट वेरिएशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वो है साउथ इंडिया से। ये चटनी आप नीर डोसा, बीसी बल्ले भात और लेमन राइस के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं साउथ इंडियन गार्लिक चटनी। साउथ इंडियन गार्लिक चटनी बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप किसा हुआ फ्रेश नारियल, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 3 देगी मिर्च, 1 टेबलस्पून इमली का पल्प, 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल और स्वादानुसार नमक। चटनी बनाने के लिए हम पैन में कोकोनट ऑयल गरम करेंगे। उसमें हम डालेंगे क्रश्ड गार्लिक और मिर्च के टुकड़े। हमें इन्हें सिर्फ 30 सेकंड तक ही भूनना है। अब हम डालेंगे फ्रेश नारियल। नारियल को हमें 1 मिनट तक भूनना है। हमने इस नारियल के मिक्सचर को 1 मिनट तक भून लिया है। अब हम गैस बंद कर लेंगे और इस मिक्सचर को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ग्राइंडर के जार में हम कोकोनट का मिक्सचर डालेंगे। उसमें हम डालेंगे टैमरिंड पल्प, नमक, पानी डालकर हम इनकी फाइन पेस्ट बनाएंगे। दोस्तों, हमारी चटनी पीस के तैयार है। इसे पीसते वक्त मैंने लगभग 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया। अब ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, ये साउथ इंडियन गार्लिक चटनी तैयार है। लहसुन चटनी का ये अलग वर्जन आपको जरूर पसंद आएगा। आप इसे इडली, डोसा या फिर लेमन राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप बनाइए इसे अपने घर में और हमें बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी kalimirch.smita.com पर। Till then, keep watching, enjoy cooking. Bye bye.